फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीडम टेलर। आज हम लोग सोशल पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोरोना वायरस से कैसा बच के लड़ना चाहिए। तो ऐसी आजकल के ज़माने में फुल कोरोना फैल रहा है और तो अब तो थर्ड वेव भी आ रहा है क्यों, और वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्टेड रहता है, इसलिए आज हम लोग उसको घूसा मारने आ चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट में जाने से पहले कोरोना क्या है, वो कोरोना वायरस क्या है वो पहले मालूम कर लेंगे। कोरोना को इसका नाम कोरोना कैसा पड़ा क्यों बोले तो, ये वायरस ना राजा का ऐसा मुकुट रहता ना वैसे दिखता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। और COVID-19 क्यों बोलते हैं, कोरोना COVID-19 डिजीज है, लेकिन इसके कोविड में लास्ट में 19 क्यों रखा गया है नंबर, मतलब क्यों बोले तो ये पूरे वर्ल्ड में नवंबर 2019 को आइडेंटिफाई करे थे उसको। तो अब आपको ये पूरे मालूम कोरोना के बारे में टू लेंस मालूम हो चुके हैं ना। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोरोना को प्रिवेंट करने के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ में एक स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये डिजीज का अब तक सही मेडिसिन नहीं आया है, इसलिए हम लोगों को थोड़े से प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करके इससे लड़ना पड़ेगा। पॉइंट इज मेंटेन क्लीन एंड हाइजीन। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग अब कैसा मेंटेन कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है। सुनो, ये हम लोगों को एक आदत डालना चाहिए, खाना खाने से पहले, खांसने के वक्त और स्नीज करने के वक्त, पेट को छीने के वक्त और बाहर गए जब, हम लोगों को हैंड वॉश करना चाहिए और हमेशा बाहर गए जब मास्क पहनना चाहिए। ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंस। नो स्नेक हैंड्स गैदरिंग ट्रेडिशनली। इफ यू सिक फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। ना तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जाके जरूर बताना, और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो सॉरी सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।